और गाजियाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान हैं। बढ़ती कीमतों से लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कमाई नहीं बढ़ी जबकि खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर बढ़ते दामों को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने कुछ लोगों से बातचीत की है, देखिए। देशभर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और ये बढ़ोतरी लगातार पांचवी बार है ऐसा मौजूद है। गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पे तस्वीरें आपके सामने हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि उन लोगों को खासा परेशानी होती है जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं। अब ऐसे में उन्हें तेल भी भरवाना है, काम भी करना है, नौकरी भी करनी है, तनख्वाह नहीं पड़ी है, लेकिन तेल के दामों में इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों से बात करने की भी जरूरत है और वही उनसे जानेंगे कि आखिर जेब पर कितना असर पड़ा है। आप बताएं, लगातार पांचवी बार तेल के दामों में इजाफा हुआ है, क्या लगता है कितना असर पड़ रहा है जेब पर? देखो, बैग तो चलानी है, अब तेल बढ़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन महंगाई तो हुई है, अब क्या कह सकते हैं इसमें। क्या करते हैं आप? मैं तो अब जियो में काम करता हूँ, मेरा फील्ड वर्क है। तेल तो जो है महीने में जो है पहले 1000 रुपए का उठता था, अब उठ रहा 2000 रुपए का। फील्ड वर्क है तो जेब पर असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल पड़ा है। कितनी तनख्वाह? सैलरी तो कम ही है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। सैलरी बढ़ी है क्या? बिल्कुल नहीं, सैलरी वही की वही है, लेकिन तेल के दामों में इजाफा हुआ है तो जेब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो लगातार मार्केटिंग का काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, ऐसे में इन लोगों की जेब पर खासा असर पड़ रहा है क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोग हैं। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आप बताएं, तेल के दामों में लगातार पांचवी बार इजाफा हुआ है, क्या लगता है जेब पर असर पड़ा है? हाँ जी जी। कितना पहले तेल डलवाते थे, अब कितना डलवाते हैं? पहले डल जाता था 2 लीटर। अच्छा, और अब? अब तो 1 लीटर। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर जेब पर असर पड़ता है। खान पान पे जो कि पहले राशन आता था 5000 का, तो अब 3000 करना पड़ेगा, जेब पर असर पड़ेगा। तो उस तरीके से नहीं, राशन की वैल्यू तो बढ़ रही है, पहले 5 का था, 8000 का वही आ रहा है, कम थोड़े ना करना, खर्चे तो उतने ही है, पर जब सैलरी नहीं मिलेगी वो नहीं होगा तो फिर कैसे? सैलरी उतनी ही है लेकिन जेब पर असर पड़ना लाजमी है क्योंकि पेट्रोल के दामों में इजाफा है। जेब पर असर पड़ना लाजमी भी है क्योंकि लगातार पांचवी बार तेल के दामों में इजाफा हुआ है, और बल्कि पेट्रोल ही नहीं, डीजल, सीएनजी सभी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और इससे लोग खासा परेशान है। अपने सहयोगी राम के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। और कानपुर के जूही थाना क्षेत्र